गुड मॉर्निंग बच्चों। तो लास्ट लेक्चर में हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर्स के बारे में डिस्कशन किए थे। एक दो प्रॉपर्टी और बच रहा था, उसको हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी जो बच रहा था वो था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उसका दो पार्ट है। पहला पार्ट क्या कहता है कि वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी where b and c taken together is equal to vector a plus b taken together plus vector c। associative property finally ये कहता है, ठीक है, ये देखने में सिंपल लग रहा है लेकिन हमें इसको प्रूफ भी कर लेना चाहिए। तो प्रूफ सीधा सा है, क्या देखिए, जैसे ये वेक्टर b है और ये वेक्टर c है, ये रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा b और c का, और मुझे b और c को एक साथ जोड़ना था। देखिए ब्रैकेट क्या बताता है कि मुझे प्रायोरिटी क्या रखना है, b और c को पहले जोड़ना है। तो जोड़ दिया मैंने b और c को जोड़ के, ये मुझे मिला, ठीक है। अब इसमें अब क्या जोड़ना है, वेक्टर a को। तो लेट अस से वेक्टर a जो है वेक्टर ए जो है ये है, वेक्टर ए को बी और सी के रिजल्टेंट के साथ जोड़ना है। तो बी और सी का रिजल्टेंट लेट अस से ये सी डैश वेक्टर है। तो सी डैश और वेक्टर ए जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर डी, ठीक है। ये मैंने इस ऑपरेशन को परफॉर्म किया। अब मेरा अगला काम क्या है, अगला काम है कि आप पहले वेक्टर ए और वेक्टर बी को पहले जोड़ना है। तो जोड़ लेते हैं, क्या करेंगे, वेक्टर ए को पैरेलली ट्रांसलेट करेंगे। कहां पे, ये रहा वेक्टर ए, पैरेलली ट्रांसलेट। वेक्टर ए और वेक्टर बी को पहले जोड़ना है। तो ए और बी, देखिए ए के हेड पे बी का टेल बैठा है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट ये होगा। इसको लेटर से कुछ नाम दे देते हैं, c डैश डैश वेक्टर। अब c डैश डैश वेक्टर और वेक्टर c को जोड़ के रिजल्टेंट को देखना है कि क्या मिलता है। तो रिजल्टेंट क्या मिलेगा, ये मिलेगा। बोलिए कैसे, तो c डैश डैश के हेड पे c का टेल बैठा हुआ है, तो फिर ट्रायंगल लॉ से हम एडिशन कर पा रहे हैं। तो ये हो गया आपका वेक्टर a प्लस b प्लस c where a and b has been added together। अब सिंपल सी बात है, वेक्टर a यहां भी है, वेक्टर a यहां भी है, दोनों का लेंथ इक्वल होगा और दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के। तो तब तो क्लियरली ये जो है, ये इस पैरेललोग्राम में, कौन से पैरेललोग्राम में, p q r s पैरेललोग्राम में, देख गौर से ध्यान दीजिए, ये जो वेक्टर PS है, ये PS जो साइड है और ये जो QR जो साइड है, ये दोनों तो वेक्टर A को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दोनों इक्वल भी है और पैरेलल टू ईच अदर भी है। तो उस लॉजिक से तो ये PQ और RS भी दोनों एक दूसरे के पैरेलल और इक्वल हो जाएंगे। तो शॉर्ट में क्या हो गया कि वेक्टर D दैट इज PQ एंड RS आर इक्वल एज वेल एज पैरेलल। तो शॉर्ट में क्या कह सकते कि दिस PQ वेक्टर इज इक्वल टू SR वेक्टर। यही तो हमें प्रूफ करना था, PQ वेक्टर इज इक्वल टू SR वेक्टर, ठीक है। अब ये मत बोलिएगा कि दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं, दो वेक्टर इक्वल तभी होते हैं जब दोनों का मैग्नीट्यूड और एज वेल एज डायरेक्शन दोनों सेम हो जाए, जो मैंने प्रूफ कर दिया है। तो मैंने प्रूफ क्या किया है कि LHS साइड और RHS साइड का इक्वलिटी मैंने यहाँ पे डायग्रामेटिकली फिगर वाइज प्रूफ किया है। किसका यूज करके, ट्रायंगल लॉ का यूज करके, ठीक है। तो अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का जो दूसरा हिस्सा है वो आप पढ़ते हैं।
इसका स्टेटमेंट क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का जो दूसरा पार्ट है वो क्या कहता है कि एक स्केलर है कोई नंबर स्मॉल ए और एक दूसरा स्केलर नंबर है स्मॉल बी और एक वेक्टर ए है। वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब कि क्या कह रहा है ये कि वेक्टर ए को पहले बी टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, बी क्या है स्केलर है, और फिर जो रिजल्टेंट आएगा उसको फिर स्केलर ए टाइम्स करते हैं तो फिर रिजल्टेंट जो आएगा वो इसी के बराबर आएगा, मतलब दोनों इक्वल ही हैं, दोनों बातें सेम हैं। कैसे सेम है, तो ये बहुत सिंपल सा चीज है। देखिए अगर लेट अस से ये वेक्टर ए है उसको सबसे पहले मैं क्या करूं, अगर मान लीजिए बी पॉजिटिव तो बी टाइम्स बड़ा कर देता हूं, लेट अस से ये बी टाइम्स बड़ा कर दिया, ये हो गया आपका बी टाइम्स वेक्टर ए। अब क्या करूंगा फर्दर, ये जो नया वेक्टर मिला है बी इंटू वेक्टर ए इसको मैं फिर ए टाइम्स बड़ा कर रहा हूं, तो ए टाइम्स बड़ा करने पे लेट अस से ये पॉजिटिव है तो ए टाइम्स बड़ा करने पे अब टोटल ये कितना हो जाएगा, तो सिंपल है ए बी इंटू वेक्टर ए, वही चीज तो ये कह रहा है, ठीक है। वैसे ही नेगेटिव के लिए भी आप खुद करके देख सकते हैं, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, अगर ए नेगेटिव हो और बी पॉजिटिव हो ये सारा केस कर सकते हैं, ए नेगेटिव बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव ए पॉजिटिव, बोथ नेगेटिव, सारे केस में आप ये चीज कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल मैंने आपको करके दिखाया है। तो ये था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का दूसरा पार्ट।